हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। तो चलिए ये रेसिपी आपके साथ में शेयर करते हैं। सिंपल, मुझे लेना होगा एक पैन जिसमें मैं ऑयल गरम करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल और मैंने चॉप किए हैं 4 बड़े प्याज, इसे चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही साथ मुझे खड़े मसाले ऐड करना होगा, जिसमें मैं जीरा, तेज़पत्ता, 8-10 लौंग, 8-10 इलायची और जावित्री, दगड़फूल, दालचीनी, लकड़ी। ये सारे मसालों को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपना चिकन भी ऐड कर लूँगी, जिसे मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। अब मुझे अलग पैन में पानी गरम करना होगा, जिसमें मैं अगेन सारे खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी। 8-10 लौंग, 8-10 इलायची, काली मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच जीरा, जावित्री, तेज पत्ता, पुदीना और शाही जीरा। तो अब मुझे इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट और अदरक लहसुन भी इसमें ऐड कर लेना होगा। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है एक बोल में, उसमें मैं अब सारे गरम मसाले, अगेन मिक्स पाउडर मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, यानी कि दरदरा कूटा हुआ लाल मिर्च, और यहाँ पे रेड रेड कलर चिली मिर्च लिया है मैंने, जीरा पाउडर, गरम मसाला। नमक नमक ले लिया है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। और यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। ये सारे पाउडर हमें दही में शामिल कर लेना है और इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेना है। इसमें मैंने एक नींबू भी यूज़ किया है और कोकम हमने पानी में सोक किया था। अब यहाँ पे ये सारे मसाले को हमें अपने चिकन में ऐड कर लेना है और अच्छी तरह से इसे फ्राई करना होगा, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे अपने टमाटर भी शामिल कर लिए हैं। अब इसे हमें लीड लगा के करीबन 10 मिनट कुक करना होगा लो फ्लेम पे। अब मैं यहाँ पे बटर भी ऐड कर रही हूँ। ये बासमती राइस है, मैंने 1 घंटा पहले अच्छे से धो के वॉश करके पानी में सोक करके रखा था। इसे हमें अपने उस पानी वाले जिसमें हमने खड़े मसाले ऐड किए थे उसमें ऐड कर लेना है और अच्छे से कुक कर लेना है। और हमें पूरा कुक नहीं करना है, 10% हमें कच्चापन रखना है चावल में। अब यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल छूट गया है पूरी तरह से। तो अगेन हम एक पैन लेंगे, खाली पैन लेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसके नीचे लेयर बिछाएंगे चावल की, अपने राइस की। उसके बाद में हम अपने ग्रेवी चिकन की लेयर बिछा देंगे। वन बाय वन हमें लेयर बिछाना होगा, इसे हम परती बिरयानी भी कह सकते हैं, लेयर चिकन बिरयानी। अब यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल ऐड करूँगी, जिसमें लेमन है, ग्रीन चिली है, टमाटो है, करियंडर है यानी कि धनिया कटा हुआ, पुदीना है, और ये मेरा फूड कलर है,
आप इसे इकट्ठा एक जगह ना डालें, आप चाहे तो इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। एरोमा के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए। अगेन मुझे यहाँ पे चावल का लेयर बिछा देना है और फिर उसके ऊपर फिर अपने चिकन ग्रेवी का लेयर बिछा देना है। अगेन फिर मुझे उस पे चावल का लेयर बिछाना है और सारे बचे हुए वेजिटेबल मैं शामिल कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस समझाई। अब यहाँ पे मुझे अगेन बटर ऑयल ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसे कुक कर लेंगे। एक मैंने नीचे तवा रख दिया है ताकि बिल्कुल धीमी, बिल्कुल मध्यम आवाज आँच में ये कुक हो जाए और कोई गुंजाइश ना रहे नीचे से जलने की। वैसे तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक वेयर लिया है, पर हो सकता है जल जाए, सो इसलिए बेटर होगा कि आप यहाँ पे तवा रख लें। 10 मिनट बाद मैंने ओपन किया, मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, पक चुकी है पूरी तरह से। तो चलिए फ्रेंड, इसे सर्व करते हैं। आप देख सक रहे हैं कितनी खिली खिली और मस्त बिरयानी बनी है मेरी बासमती राइस की। तो फ्रेंड देखिए, मेरी रेसिपी यहाँ पे बन के तैयार है। तो चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। तो बताइए फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।